हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली। आज बनाऊंगी कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी बनाना बहुत ईजी है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप कद्दू खाना पसंद नहीं करते हैं तो जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका कद्दू बहुत ही टेस्टी बनेगा और सभी लोग बहुत चाव से खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो कद्दू की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कद्दू लिया है। ये मैंने यहाँ पर पीला वाला कद्दू लिया है, आप पीला या हरा कोई भी कद्दू ले सकती हैं, जिसको मैंने अच्छे से धो के इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। एक हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा अदरक खसा हुआ, एक प्याज कटी हुई, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, 2 चम्मच नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ले सकती हैं। 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/3 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, 1 पिंच हींग, 2 चम्मच ऑयल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम 1/3 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ये अदरक, कसा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च और ये कटी हुई प्याज डाल देते हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इनको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देते हैं सारे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें ये कटा हुआ कद्दू डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें ये 1/2 ग्लास से भी कम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसको हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद कद्दू को हम चेक कर लेते हैं। तो अभी कद्दू हमारा अच्छे से पका नहीं है तो इसको हम पलट देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने चीनी दी है उसको डाल देते हैं 1 चम्मच और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए और ढक के पका लेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 2 मिनट के बाद कद्दू को हम फिर से चेक कर लेते हैं। कद्दू हमारा अच्छे से पक चुका है कि नहीं, इसको हम फॉर्क की सहायता से इस तरह से दबा के देख लेते हैं। देखिए आसानी से टूट रहा है कद्दू, यानी कि ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ये नींबू का रस डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और ये धनिया की पत्तियां डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये हमारी बहुत ही टेस्टी कद्दू की सब्जी बनके तैयार है।
आप इसको पूड़ी परांठे रोटी किसी के भी साथ खा सकती हैं, खाने बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें जिस तरीके से मैंने आज आपको बताई है, उस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।